गाइज बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एक ही डाउट है कि हाई कोर्ट परिसर में आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी अगर आप एज ए चौकीदार ज्वाइन करते हो। यहाँ पे जो ये वीडियो है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो चौकीदार की वैकेंसीज आई थी उसको लेके वीडियो है, क्योंकि अगर आप एक हाई कोर्ट परिसर में काम करते हो उसकी वर्क प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट रहती है अदर पहले से। लाइक अगर आप मॉल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो या फिर एटीएम या बैंक में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, ये दोनों ही यहाँ पे डिफरेंट वर्क प्रोफाइल रहती है। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल ए टू जेड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाईकोर्ट परिसर के अंदर आपकी क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। गाइज एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो इससे नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी वो फायर सेफ्टी के ऊपर रहेगी, कितनी टाइप की फायर रहती है, क्या क्या आंसर आपको इंटरव्यू में देना है। गाइज ये 100+1% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गाइज एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर कर दूंगा, वो वाली वीडियो आप मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो मिस कर सकते हो लेकिन वो आप जरूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेनिफिट रहेगा आपके इंटरव्यू में अगर आप वीडियो को देख लेते हो। गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्क प्रोफाइल को लेके कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या क्या है, क्या क्या काम करना पड़ेगा। गाइज यहाँ पे सबसे पहला काम आपको यहाँ पे गेटमैन की तरह भी काम करना पड़ सकता है, यानी जब आप हाईकोर्ट परिसर में एंटर करते हो उससे पहले एक बड़ा गेट होता है, तो उसी गेट से सब हाईकोर्ट परिसर में एंटर करते हो तो वहां पर जो चौकीदार का काम रहता है गेट को ओपन एंड क्लोज करने का काम रहता है। और गाइज यहाँ पे बहुत सारी इंक्वायरी भी करनी होती है, अगर कोई विजिटर रहता है रजिस्टर में उसकी एंट्री करना, इन आउट आपको लिखना है, सिग्नेचर लेना है, पूरी डिटेल आपको लिखनी है। अगर कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में एंटर करता है अपनी गाड़ी से, तो अगर उनके पास एक हाई कोर्ट का स्टिकर रहता है अगर वो लगा है तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये हाई कोर्ट का एम्प्लॉय है या जज है, कोई अदर वकील है, तो आप उसको विदाउट एनी इंक्वायरी के छोड़ सकते हो। ये सब चीजें रहती है। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा, अगर आप किसी जज के साथ हो, सपोज करो आप जज के साथ हो या फिर किसी बड़े अधिकारी के साथ हो, उनको आप उनके ऑफिस से लेके उनके घर तक छोड़ना, जहाँ भी उनको क्वार्टर मिले लेके आना साथ में गाड़ी में एज ए चौकीदार, आप उसको एज ए गार्ड उसको एस्कॉर्ट करते हो, तो वहाँ पे उनके गेट ओपन करना, उनकी डोर ओपन करना, उनके सारे रूल और रेगुलेशन को मानना, और गाइज उनकी सारी चीज़ मानना, यानी आप उसके गार्ड हो तो उनकी सारी चीज़ को मानना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ रहती है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पर अगर आपको कोई रूम की सिक्योरिटी दी है, सपोज करो जहाँ पर जज रहता है वो एक जज एक रूम के अंदर ही तो बैठता है, तो गाइज जब वो जज रूम के अंदर बैठेगा तो जज के आने से पहले या फिर पब्लिक के आने से पहले आपको सारी सिक्योरिटी चेक करने हैं, वहाँ पे रूम को ओपन करके रखना है, सारी विंडो यहाँ पे ओपन करके रखनी है, सारी डोर यहाँ पे ओपन करके रखनी है, सारी सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपको रूम को रेडी करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती है। हालांकि क्लीनर के साथ ही आपको ये सारे काम करनी है, क्योंकि क्लीनर जो है वो एज ए जो सिक्योरिटी गार्ड वाला काम नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी एक पेपर की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कोर्ट में, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक पूरी जिम्मेदारी रहती है एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो ये सब चीज आप वहां पे करना पड़ सकता है। गाइज यहां पे अगर आप वहां पे कोई फाइल है इधर से उधर पहुंचानी रहती है तो ये भी कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड भी कर लेता है, तो पेपर पोजीशन भी यहां पे सिक्योरिटी गार्ड कर लेता है। अब हम बात करेंगे यहां पे गाइज अगर कोर्ट के बाहर में एक गाइज बकेट रहते हैं, यानी बाल्टी टाइप कुछ रहते हैं, उसमें रेत रहता है, पानी रहता है, तो फायर सेफ्टी के लिए रखा रहता है, एवरी वीक वो आपको देख रहा है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका मोरल ड्यूटीज है, ये आपको समझना है, वो जरूरी चेंज होना है एवरी वीक, क्योंकि गाइज अब इतनी गर्मी है, कभी कभी सर्दी भी रहेगी गर्मी भी रहेगी, तो पानी जो है पूरा वाप्स बन के उठ जाता है, पानी का जो वॉल्यूम है वो नीचे चला जाता है, तो पूरा आपको रेडी रखना है, यानी रेत और जो भी वाटर रहेगा उसको चेंज करते रहना है एवरी वीक। वो मैं फायर की क्लास में आपको समझाऊंगा कैसे कैसे होगा। गाइज यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी रहता है कि आपको जहाँ पे कुछ पैसे का लेन देन है कोर्ट में, यानी कि किसी भी चीज़ में या फिर पैसे जमा कराने हैं, कोई भी यहाँ पे जमानत में कुछ पैसे चार्जेस लगते हैं या फिर कोई पेनल्टी लगती है, कुछ भी पैसे का लेन देन होता है, तो एज ए स्पोर्ट आपको वहाँ पे जाना होता है, क्योंकि गाइज कभी कभी कैशियर के साथ भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रहता है, सिक्योरिटी गार्ड का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है और जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा रहती है सिक्योरिटी गार्ड की। यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी विजिटर रजिस्टर रहेगा उसमें आपको एंट्री करनी है, क्योंकि अगर आप एज ए गेटमैन हो या फिर आप जो है जज के जो रूम है जज का उसके बाहर खड़े हो, वहां भी एक रजिस्टर रहता है, रजिस्टर में आपको एंट्री करनी है, इन और आउट का टाइम लिखना है, आधार कार्ड नंबर एड्रेस कहां से आओ और क्या काम करने के लिए आओ, पर्पज क्या है, ये सब डिटेल वहां पर रहती है। और गाइज यहां पर आपको जो है पेट्रोलिंग भी करनी है, पेट्रोलिंग का मतलब अगर कोई संदिग्ध चीज आपको मिलती है तो तुरंत अपने आला अधिकारी को जानकारी देना रहता है कि सर यहां पर ये चीज है और ये चीज मिली
लिए और हायर अथॉरिटी को भी यहाँ पे इन्फॉर्म करना रहता है और प्रॉपर जो भी कोर्ट की प्रॉपर्टी है उसकी भी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपको है, क्योंकि नाइट और डे की ड्यूटी लगेगी। तो नाइट ड्यूटी में तो सब कुछ आपको यही करना है कि कोई भी संगीत या फिर दूसरा व्यक्ति कोर्ट के अंदर ना घुस पाए और प्रॉपर्टी को हानि ना पहुंचा पाए, ये सब चीज़ें रहेगी। विजिटर चेकिंग तो यहाँ पे मेन है और नाइट ड्यूटी में जैसे कि बता कोई भी अदर पर्सन यहाँ पे कोई भी विजिटर यहाँ पे एंट्री ना कर पाए अगर आप उसको नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो आपको सारी डिटेल लेनी है, पूछना है कैसे कैसे क्यों आए यहाँ पे, पर्पज क्या है, तो आपको हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। अगर कोई रोंग एक्टिविटीज आपके साथ हो रही है तो कोर्ट की जो भी मेन सिक्योरिटी है उसको आपको जो है इन्फॉर्मेशन पास करनी है और जो भी प्रॉपर्टीज रहती है उसकी सेफ्टी में कुछ रहता है तो सेफ्टी भी आपको यहाँ पे देखनी है। सेफ्टी का तो मेन रोल आपका ही है और फायर सेफ्टी भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि फायर सेफ्टी बिना सिक्योरिटी गार्ड का कोई काम नहीं है। फायर तो मेन है, फायर के बारे में जानकारी मेन है, तो कहीं ना कहीं जब आपको नॉलेज रहेगी, ट्रेनिंग रहेगी फायर की, तो आपको पता चल जाएगा क्या फायर है, कैसे कैसे आपको बुझानी है। गाइस ये पूरी डिटेल, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो।